विराट कोहली ने 49 कर दिए हैं। आई मीन इट्स माइंड बॉगलिंग के विराट कोहली जैसा बैट्समैन जो शेयर कमिटमेंट जिसे कह सकते हैं, शेयर फोकस कमिटमेंट। शमी की मैं क्या बात करूं, 3 मैचों में 14 विकेट लेके वो उसने तो रिकॉर्ड बना दिया है, और वो इंडिया भी अपना रिकॉर्ड बनाने जा रही है जो वर्ल्ड कप में एक ऐसी टीम अनबीटन टीम जो अपने 9 के 9 मैचेस जीत के सेमीफाइनल में जा रही है। ऐसा लग रहा था कि आज इंडिया को टफ टाइम मिलेगा। विराट भाई बस करो, कितनी सेंचुरियां मारोगे, कितने मुल्कों को धोना है, बस करो। विराट कोहली जैसा ना पहले कोई आया है ना ही उसके बाद कोई आएगा। विराट कोहली एक ही है और एक ही रहेगा। जब भी रन चेज की बात आती है तो विराट कोहली का नाम हमेशा टॉप पर आता है। लोगों ने देख लिया और सुनील गावस्कर 50वां बता रहे थे कलकत्ता में होगा, लेकिन शायद वो एक शतक पीछे रह गए। क्या जबरदस्त कारकर्दगी, क्या जबरदस्त खिलाड़ी, और 326 रन बना लिए, इस पे तो बाद में आएंगे। स्थिति सी ये है कि भैया जब ट्रिकी सिचुएशन होगी, मैं तो कह रहा हूँ कि इस वर्ल्ड कप को यहीं पे खत्म करें, यहीं पे इस वर्ल्ड कप का फिनिश कर दें। मतलब कि अब तो मजाक ही हो गया, अब सच्ची में मजाक चल रहा है। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये बहुत है, ये वो है, ये मजाक ही हो रहा है। फोकस, कमिटमेंट, फिटनेस एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हिज विल to become the greatest batsman ever. ये है वो चीज़ें जो विराट कोहली को अलग करती हैं बाकी दुनिया से। दुनिया में और बड़े बड़े बैट्समैन आए, लेकिन विराट कोहली जैसा बैट्समैन जो अपने शेयर कमिटमेंट की वजह से और अपनी एक जिद है उनकी कि मुझे ग्रेटेस्ट प्लेयर बनना है, और उन्होंने बन के दिखाया। लाइफ अल्ट्रिकेशन की बात करें या उनके फोकस की बात करें या उनकी कमिटमेंट की बात करें, फिटनेस की बात करें, ये मसले रहा हैं यंगस्टर्स के लिए कि अगर आप कोई चीज़ ठान लें और अगर आप कोई चीज़ ये मान लें, क्योंकि ये दुनिया, ये जो जगह है जहां हम रहते हैं दुनिया में, ये मुमकिनात की जगह है, ये पॉसिबिलिटीज़ की दुनिया है। अगर ये बंदा कोई सोच ले और ये भी सोच ले कि यार ये मैं कर सकता हूँ, तो यकीन जानिए कि वो चीज़ उसकी हो जाती है। बाकी उसका जो प्रोसेस है उसको पूरा करना चाहिए। अगर पाकिस्तान वो 8 मरतबा जीते हुए तो पाकिस्तान जो है इस मरतबा जीत ले, मुमकिन है, हो सकता है फाइनल में आए, फाइनल में हार जाए, लेकिन अगर वो अनबीटेबल भी जीत जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, उनका हक बनता है। जैसे क्रिकेट खेल के आए, उनका हक है यार, एक बंदा 8 मैच हारा नहीं है तो अब आके हार जाए तो दुख उनको होगा जो क्रिकेट देखते हैं, जो पाकिस्तान और इंडिया नहीं देखते, जो क्रिकेट देखते हैं उनको दुख होगा इंडिया के हारने का। मोहम्मद शमी टाइम मिलेगा, क्योंकि आपको पता साउथ अफ्रीका जिसके साथ भी खेलती आ रही है 400, 350, 400 से नीचे बात ही नहीं रही थी, लेकिन आपको पता है फिर मुकाबला आज उनके साथ था जिन्होंने अभी तक 7 मैच हारे नहीं, तो 8वां वो कैसे हार जाते। पिछले मैच में देखे कि मोहम्मद शमी बेचारा सजदा रेज नहीं हो सका अल्लाह की बारगाह में, दुख होता है। ऐसी कौम आपने दी है, ऐसा सेकुलर लिबरल मुल्क है जहाँ पे एक बंदा सजदा करते हुए घुटनों पे बैठते हुए फिर उठ जाता है कि यार इतने मेरी जड़ी है ना माँ बहन हो जानी है अगर मैंने ये कर दिया, क्योंकि ये सारे लोग जो हैं वो एंटी, इनको फोबिया, इस्लामी फोबिया। लेकिन मोहम्मद शमी को किसी ने रोका तो नहीं था ना, वो रुकू में जाए और उठ गए, उस बात ने रोका जो उसके जहन में थी कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इंडिया तो अब वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर रहा है ना, कर दिया उसने बल्कि, और वो तो हमसे रोके ना रुक पा रहे, कोई भी टीम हम आगे ठहरा दें वो उनको धो के बाहर कर देते, हमारी सारी उम्मीदों पे पानी फेर देते। हम चाहते हैं कि इंडिया एक मैच तो हार जाए, उनकी स्ट्रीक टूट जाए, सेमीफाइनल में जाने से पहले कोई स्ट्रीक उनकी टूट जाए जो वो थोड़ा पैनिक कर जाए कहीं ना कहीं। अगर वो ऐसे 9 के 9 मैच जीत गए तो फिर तो उनके लिए मसला ही नहीं है फाइनल और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाना। पाल कर दिया, नंबर वन होने का यही हक है असल जो वो बुमराह अदा करता है। ये बढ़िया परफॉर्मेंस यार, कमाल, आइसक्रीम गिराती है अपनी। और यार आइसक्रीम छोड़ो यार, इंडिया ने इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की है, मैं कहता हूँ यार मैं सलूट करता हूँ यार इस टीम को। भाई ये टीम वाई टीम है जो ना 50 भी करके टारगेट दे देना, अगर 20 में साउथ अफ्रीका को भी ऑल टीम आउट कर देना था, क्योंकि इंडिया के पास इस वक्त नंबर वन बॉलिंग है, उनके पास बुमराह है, शमी है, सिराज है, मतलब एक से बढ़ के एक बॉलर बैठा हुआ है। भैया जब ट्रिकी सिचुएशन होगी और मुश्किल होगी और गर्मी होगी, गर्मी तो वहाँ पर 205 मिनट एक ही आदमी खड़ा रह सकता है जिसका नाम है विराट कोहली। कितने मिनट? 205 मिनट। ये तो ओवर खत्म हो गए तो जाना पड़ा। वेरिएबली भाई हुआ क्या, हुआ ये कि विराट ने बताया कि मेरी और देखिए श्रेयस अय्यर और विराट का कॉम्बिनेशन जो आपको नजर आया वो एशिया कप से चला आ रहा है, जहाँ पे वो विराट ने खुद बताया आज कि यार मेरी और श्रेयस की जो अंडरस्टैंडिंग है वो एशिया कप से पहले से है, जब से श्रेयस वापस आए हम दोनों स्पिन को अच्छा खेलते हैं। उनका मुकाबला ही नहीं बन रहा तो क्या मुकाबला खेलना है आपने? एक टीम आपके लेवल की नहीं है तो आपने क्या मुकाबला खेलना है? इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर कोई भी टीम इंडिया की टीम के लेवल ही नहीं है।
मुझे बता दे लंका के खिलाफ होता है, चलो समझ आते लंका के खिलाफ हुआ हुआ है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैटिंग लाइनर जिस टीम की थी साउथ अफ्रीका, उसके खिलाफ भी क्या किया इन्होंने, अफ्रीका का क्या हाल कर दिया है। यकीन करें कि पाकिस्तान की बैटिंग मुझे जिसको कहते हैं ना बहुत कदरे अच्छी लग रही है, कदरे अच्छी लग रही है। पाकिस्तान ने तो फिर 192 कर लिए थे। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल भारत फर्स्ट। तो भारत ने बुरी तरह से साउथ अफ्रीका को बमबुजल किया है। साउथ अफ्रीका को भारत ने कहीं का नहीं छोड़ा। पहले विराट कोहली ने बैटिंग में द ग्रेट सचिन तेंदुलकर लिटिल मास्टर के शतकों की बराबरी की हमारे मॉडर्न मास्टर विराट कोहली ने, जो कि विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर को कंधे पे उठाया था। और वही मॉडर्न मास्टर विराट कोहली ने आज 49 शतक लगाकर महान सचिन तेंदुलकर लिटिल मास्टर के कंधों से कंधे मिलाए और 49वां शतक लगाया। और क्या ही शानदार किस्म की विराट कोहली ने पारी खेली और उनका वनडे करियर का 49वां शतक और सचिन के 49 शतक की बराबरी की विराट कोहली ने। और उसके बाद इंडिया के बॉलरों से जो बॉलिंग देखने को मिली, बहुत ही खतरनाक बॉलिंग इंडिया के बॉलर वैसे ही करते आ रहे इस टूर्नामेंट में। और 8 में से 8 मुकाबले जीतना कोई बच्चों का खेल नहीं है, वो भी वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में 8 में से 8 मुकाबले जीतना, ये इंडिया ने कर दिखाया और 8 में से 8 मुकाबले जीत गए। और साउथ अफ्रीका को भी इंडिया ने धूल चटा दी और क्या ही बॉलिंग की मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, इन तीन ट्रायों की तो जैसे आदत बन चुकी है विकेट लेने की और सारे 100 पे टीमों को ऑल आउट करने की, वैसा ही आज हुआ। और 100 रनों के अंदर साउथ अफ्रीका की पूरी टीम ने इंडिया के सामने घुटने टेक दिए, जिसमें रविंद्र जाडेजा ने 5 लिया। और क्या रविंद्र जाडेजा ने बॉलिंग की, जो ऐसी पिच हो जहाँ पे बॉल टर्न हो जाए, थोड़ा सा भी टर्न हो तो रविंद्र जाडेजा किसी को नहीं छोड़ते, क्योंकि जिस तरीके की रविंद्र जाडेजा की एक्यूरेसी है और एक ही लाइन पे डालते रहते लगातार और स्टंप को अटैक करते, और उनकी यही बॉलिंग और यही उनके एटीट्यूड के बदौलत रविंद्र जाडेजा ने 5 विकेट हॉल लिया। और टेम्पा बबुमा को बॉल डाला, केशव महाराज को जो बॉल डाला, बहुत ही शानदार किस्म का बॉल। और शुरू में जो इंडियन बॉलरों ने हमारे बॉलर जसप्रीत बुमराह और सिराज ने जो दबाव बनाया, और सिराज ने दूसरे ओवर में आके क्विंटन डिकॉक का विकेट लिया, उसके बाद तो साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों की लाइन लग गई। जिस तरीके की श्रीलंकाई बल्लेबाजों की लाइन लग गई थी, वैसे ही साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों ने इंडिया की बॉलिंग के सामने घुटने टेक दिए। और इस सारा श्रेय जीतों का, जो 8 में से 8 जीत इंडिया ने जीती है, उसका सारा श्रेय जाता है वो हमारी टीम मैनेजमेंट को, टीम की पॉजिटिव एनर्जी को और सभी को साथ लेकर चलने वाले रोहित शर्मा की, जिन्होंने भी आज बहुत ही धुआंधार शुरुआत की थी बैटिंग करते हुए, जिसमें वो आउट हो गए। लेकिन जिस तरीके की शुरुआत रोहित शर्मा ने दी, 40 रन मात्र 24 गेंदों पर बनाए और 200 या फिर 180 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, और वही शुरुआत की बदौलत इंडिया ने 350 या फिर 330 रनों का लक्ष्य दिया, जिसमें विराट कोहली का शानदार 49वां शतक शामिल था, जो कि सचिन तेंदुलकर की उन्होंने बराबरी किया इस 49वें शतक की। और आज खास दिन था उनके लिए, क्योंकि आज उनका बर्थडे भी था और उन्होंने अपने बर्थडे के दिन ही सचिन तेंदुलकर, महान सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी की। साथ में उनके लिए सपोर्ट भी इतना बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि विराट कोहली जो कि इंडिया की टीम के एक मॉडर्न मास्टर कहे जाए या फिर वर्ल्ड के जो ग्रेटेस्ट बैट्समैन ओडीआई में है, जिन्होंने 13,600 रन कंप्लीट कर लिए इस शतक के साथ और वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर क्विंटन डिकॉक, दूसरे नंबर पर विराट कोहली। और जितनी तारीफ करें विराट कोहली की उतनी कम है, क्योंकि इतने इन्होंने नॉक खेले, इतने शतक लगाए, 49 शतक कोई बच्चों का खेल नहीं होता, वो भी महान सचिन तेंदुलकर की बराबरी करना। और जैसे विराट कोहली शुरू में तेज खेले, उसके बाद उनको पता चला कि पिच बहुत ही ज़्यादा स्लो है, तो उन्होंने स्लो पिच थी इसलिए उन्होंने बीच में सिंगल डबल निकाले और अपने शतक की ओर बढ़े। और लास्ट में जो रविंद्र जाडेजा ने फिनिश किया, बहुत ही शानदार किस्म की रविंद्र जाडेजा की जो इम्पैक्टफुल इनिंग थी, रविंद्र जाडेजा और श्रेयस अय्यर की जो इम्पैक्टफुल इनिंग थी, उसकी बदौलत इंडिया ने 330 रन बनाए। और उसके बाद तो बॉलिंग में तो आपने देखा ही है कि इंडिया की बॉलिंग के सामने कोई बैटिंग लाइनअप अभी तक टिक नहीं पाई है, जिसमें मोहम्मद शमी के आने के बाद तो इंडिया की बॉलिंग एक तरीके से लिथल बॉलिंग बन चुकी है, जिसको खेलना सारी टीमों के ऊपर भारी पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके की बॉलिंग इन तीन बॉलर कर रहे हैं, अनप्लेएबल अनमैचेबल बॉलिंग इंडिया की होती जा रही है, और 5 के 5 मेन बॉलर और एक से बढ़कर एक बॉलर, और कैसी भी परिस्थिति हो ये 5 के 5 बॉलर
विकेट टेकर है और रोहित शर्मा को कभी निराश नहीं करते, क्योंकि जिस तरीके की बॉलिंग ये करते हैं लाइन लेंथ और उसमें भी स्विंग और सीम होने लगे बॉल, तो इंडिया की बॉलिंग के जैसी खतरनाक बॉलिंग इस वर्ल्ड कप में किसी के पास नहीं। और इंडिया की बैटिंग तो पहले से ही धुआंधार और ख़तरनाक है और ऑलराउंडर की भी कमी नहीं है, फील्डिंग में भी हमारी बेस्ट टीम है। तो हमारी टीम भारत को ऐसे ही हम दुआ करते हैं कि आगे भी ऐसे मुकाबले जीतते रहे हमारी टीम, आगे हमें सेमीफाइनल में भी जीतना है और फाइनल में भी जीतना है और हमारा वर्ल्ड कप हमारे इंडिया में ही रहे और इंडिया वर्ल्ड कप जीते। इसी के साथ वीडियो को यहाँ पे करते हैं ख़त्म। में मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।